Hello everyone, welcome you all to the another online session of Highway Engineering, subject code 22302. This is the fifth part of second chapter. Basically in this chapter, in this part we will cover only two important topics. First one is curves on road and second one is widening of roads on curves. Curves on road. First, what is curve? Road curves are irregular bends in roads to gain a gradual change of direction. So, the curves kya hota hai? So, basically, curves means easy language mein turns on road. Jab bhi hum log road se travel karte to throughout the length of road straight nahi hota, bahut sare turns wo road pe aate, that is curve. ये क्यों आते हैं? ताकि हम लोग एक जगह से दूसरे डायरेक्शन चेंज करेंगे. अगर हम लोग स्ट्रेट रोड से जा रहे हैं और हम लोग को राइट टर्न लेना है तो भी हम लोग को एक टर्न लेना पड़ता है, दैट टर्न इज कर्व. अगर वही हम लोग को लेफ्ट जा रहा है तो भी हम लोग को टर्न लेना पड़ता है, तो वो भी एक क्या टाइप ऑफ कर्व है. नाउ टाइप ऑफ कर्व, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व्स. फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल कर्व एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल कर्व. राइट हैंड साइड में जो इमेज है उसमें हम देख सकते हो जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रोड पर रहता है. जब हम लोग घाट सेक्शन से वगैरह ट्रैवल करते हैं तब ऐसे टाइप के कर्व्स आपको देखे होंगे. या फिर सिंपल हम लोग लेफ्ट टू राइट हम लोग को जाना है तो भी हम लोग ऐसे टर्म्स यूज करते हैं. तो इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होता है. एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल कर्व, तो अपवर्ड डायग्राम है, दैट इज ऑफ वर्टिकल कर्व. वर्टिकल कर्व मीन्स घाट सेक्शन जब स्टार्ट होने वाले रहते हैं, जब हम लोग स्ट्रेट रोड से ट्रैवल कर रहे हैं और हम लोग को थोड़ा ऊपर चढ़ना है, हिली क्लाइंबिंग जब करते हैं या फिर हम लोग को फॉल करना, नीचे उतरना, तब रोड पे जो ग्रेडियंट आते हैं. सिंपल वर्ड्स में वर्टिकल कर्व मीन्स ग्रेडियंट ऑफ रोड, दैट इज राइज और फॉल ऑफ रोड. तो ये वर्टिकल रोड का इमेज. Now type of horizontal curves. There are total four types of horizontal curves. First one is simple curve. A simple curve has the same radius throughout and is a single arc of circle with two tangents meeting at the intersection. अब ये simple curve क्या है? Simple curves means जो normal वाली curves. कभी भी हम लोग straight travel कर रहे हैं और हम लोग को suddenly left या फिर right turn लेना है, तो straight road and left road इन दोनों के बीच में जो एक turn आता है, दैट इज सिंपल कर्व या फिर सिंपल टर्न. यहाँ पे भी आप देखोगे तो ए से लेकर सी तक जो एक आर्क ऑफ सर्कल, दैट इज सिंपल कर्व. तो इसमें क्या है कि थ्रू आउट मतलब पॉइंट ए से लेकर सी तक थ्रू आउट रेडियस सेम रहेगी, एक सिंगल सर्कल यूज किया जाता है, इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल चेंजेस नहीं होते, इसलिए इसको सिंपल कर्व बोलते हैं, जो नॉर्मली हर एक रोड से यूज किया जाता है. Change the direction of road. Next is compound curve. A compound curve has two or more simple curves with different radius that bend the same way and are on the same side of a common tangent. In this diagram, M and N is the common tangent. अब ये जो compound curve है, ये कहाँ पे mostly use करते हैं? जहाँ पे हम लोग को sharp turn लेना, लेकिन हम लोग को U turn लेना. तो ये वाले कर्व्स यूज करते हैं. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉइंट ए से लेके सी तक ये कंप्लीट एक कंपाउंड कर्व है, लेकिन यहाँ पे टू डिफरेंट सर्कल यूज किया है. ए से लेके पी तक एक सर्कल का आर्क है एंड पी से लेके सी तक एक डिफरेंट सर्कल का आर्क है. तो दो सर्कल के आर्क को कंबाइन करके कंपाउंड कर्व फॉर्म करता है. और ये कहाँ पे यूज किया जाता है? मोस्टली यू टर्न्स लेने के लिए, और ये मोस्टली घाट सेक्शन में भी यूज किए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही शार्प टर्न हम लोग को जब लेना पड़ता है तब. नेक्स्ट इज रिवर्स कर्व, आल्सो कॉल्ड अ सेरपेंटाइन्स कर्व. इट इज अ रिवर्स ऑफ अ कंपाउंड कर्व एंड टू सिंपल कर्व बेंड इन अपोजिट डायरेक्शन आर ऑन अ अपोजिट साइड ऑफ अ कॉमन टेंजेंट. अब यहाँ पे क्या ये कंपाउंड कर्व जैसा, लेकिन उसका रिवर्स वर्जन. यहाँ पे टू डिफरेंट
सर्कल के आर्क यूज किए थे। ए से लेके पी तक एक डिफरेंट सर्कल की आर्क है एंड पी से लेके सी तक डिफरेंट सर्कल है, लेकिन पी से लेके सी तक वो क्या डिफरेंट डिरेक्शन में टर्न किया, अपोजिट साइड में टर्न किया हुआ है। लेकिन कॉमन टेंजेंट, यहाँ पे भी जो टेंजेंट है दोनों का एम एन एन ए कॉमन है, लेकिन पी से लेके सी तक क्या है उसको थोड़ा सा अपोजिट डिरेक्शन में किया है। ये कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जिगजैग्स टर्न आते हैं, जब हम लोग हिली एरिया से घाट सेक्शन से ट्रैवल करते हैं तब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जिगजैग रोड है, जिगजैग टर्न्स आ रहे हैं, तो ऐसी जगह पे रिवर्स का यूज किया जाता है। Now this is a transition curve. It's a curve with a gradual changes in the elevation of the outside of a curve to help drivers comfortably take a turn as fast as speed. Here the transition curve is seen as a compound curve. So the shape has a resemblance to compound curve. So, lekin yahan pe kya karte hai? Jo outer edge of the curve, usko thoda sa wide bana. अगर फास्टेस्ट स्पीड पे भी कोई व्हीकल आ रही है तो वो कंफर्टेबली टर्न ले सकते हैं विदाउट एनी कोलिजन और रोड के बाहर ना जा सके, रोड के वाइड करते हैं। ये जो है वाइडनिंग ऑफ रोड ये हम लोग आगे पढ़ना तो आपको ये ज़्यादा क्लियर है, लेकिन ट्रांजिशन कर्व सेम एज अ कंपाउंड कर्व ही है, सिर्फ विड्थ ज़्यादा होती है। Type of vertical curves. There are total two types of vertical curves. First one is valley curve and second one is summit curve. First valley curve, also called as a sag curve. This curve deep down and then rises back up. These are placed in the base of the hill. This is opposite of the summit curve. So, ये जो curve है, ये basically vertical type में है. Vertical curves means जब road में up and down आ रहे हैं. जब हम लोग ट्रैवल करते हैं हर सेक्शन से, तब आपने देखा होगा रोड कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है, तो बेसिकली ये भी वर्टिकल कर्व है। तो वर्टिकल कर्व में दो टाइप है, वैली कर्व। तो वैली कर्व कब रहता है, जब घाट सेक्शन जो उसकी स्टार्टिंग होती है तब हम लोग स्ट्रेट रोड पर से थोड़ा ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइजिंग रोड का स्टार्ट होता है, तो तब जो कर्व रहता है अप टू सॉरी डाउन टू अप जाता है, दैट इज कॉल्ड वैली कर्व। यहाँ पे इमेज है आपको क्लियर होगा कि स्ट्रेट रोड से ट्रैवल कर रहे हो, जैसे ही हिली सेक्शन स्टार्ट होता है हम लोग अपवर्ड जाना स्टार्ट करते हैं, तो बेस ऑफ द हिल पे जो कर्व प्लेस किया जाता है दैट इज अ वैली कर्व। नाउ दिस इज अ समिट कर्व, आल्सो कॉल्ड एज अ क्रेस्ट कर्व। दिस कर्व राइज एंड देन डीप डाउन एट द पीक ऑफ द हिल व्हिच इज अपोजिट ऑफ द वैली कर्व। जैसे अभी हम लोगों ने वैली कर्व में देखा एट द बेस ऑफ द हिल होता है, स्टार्टिंग में रहता है, वैसे ही समिट को एट द पीक ऑफ द हिल। ये वाले राइट साइड के इमेज में आप देख सकते हैं पीक ऑफ द हिल में जहाँ पे समिट को प्लेस किया, तो एक सर्टन पॉइंट पे राइज होता है और फिर डीप होना स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग घाट सेक्शन पूरा ट्रैवल करते जाते हैं फिर उसका एक पीक पॉइंट आता है, टॉप मोस्ट पॉइंट आता है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो कर्व प्लेस किया रहता है दैट इज कॉल्ड समिट। Now need of providing curves. The curves provide two purposes. The curves are needed on highways, railways and canals. तीन गलती से आगे हम लोग सिर्फ हाईवे का पढ़े, सिमिलर टू वैसे रेलवेज एंड कैनल्स। कैनल्स में जो डैम से और पानी अगर हम लोग सिर्फ इरीगेशन पंप तक लेते जाना है तो रिवर टाइप्स या आर्टिफिशियल रिवर कंस्ट्रक्ट दैट इज कॉल्ड कैनल। तो अभी आपको रेलवेज एंड कैनल्स के लिए या फिर कुछ ऑब्जेक्ट आने वाला है तो उसकी विजिबिलिटी अच्छे से आए,
first important. Next is to alert the driver so that he may not fall asleep. Obviously, अगर थोड़ा स्पीड रोड का तो मेरे ड्राइवर सो सकता है, उसको नींद आ सकती है. कंटिन्यूसली हम लोग एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके लिए ड्राइवर को अलर्ट रहने के लिए भी जो कर्व्स है वो इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट अभी ये जो है टू अलाइनमेंट लेआउट कैनल अलाइनमेंट, ये कैनल का है. एंड देन लास्ट वन इज टू कंट्रोल इरोजन कैनल कैनल का. तो ये तो पॉइंट आपको निगलेक्ट करना है कैनल के लिए. आपको सीधे स्टार्टिंग के तीन पॉइंट हैं अगर इसमें कि ये कर्व्स है ये इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे कर्व्स का पार्ट एंड होता है. हम लोग वाइडनिंग ऑफ रोड्स पढ़ेंगे डिटेल में. थैंक यू.